का ख्याल रखे और बिल्कुल मत भूले. बूटे देख लो गाइस, ये सारे इकट्ठे किए गए हैं क्योंकि हम इसमें सजाएंगे. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेके. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छा होने वाला है. मैं विंडो के पास, डोर के पास बैठी हूँ तो रोशनी अच्छी है यहाँ पे, पर आई डोंट नो. मेरे बाल देखे दोस्तों, आज मेरे बालों को मैं कुछ करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार कमेंट देखा है. कुछ दोस्त है जो कहते हैं कि एलोवेरा जेल से अपने बालों को स्ट्रेट करने का बताएं कि कैसे होता है. मैंने कभी भी नहीं किया है पर मैं डाउट कर रही हूँ कि वो काम करेगा. सो इसलिए आज हम ये काम करेंगे. सबसे पहले ले लेते हैं एलोवेरा जेल. सो ये है मेरा ब्यूटीफुल एलोवेरा प्लांट. ये इतना छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसके सारे पत्ते यूज कर लिए हैं और एक्चुअली आज मैंने इसे वाटर दिया है और इसको दोबारा से मैंने रिपॉटिंग की है इसकी. सो आज फिर मैंने 3-4 लीफ ले लिए हैं यूज़ करने के लिए और कल मैंने मेरे बालों को वॉश किया था और आज हम ये टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरे बाल परफेक्ट है टेस्ट करने के लिए. आपको पता है कि वो कितने वेवी एंड कर्ली किस्म के हैं. सो जेल निकाल लेते हैं जल्दी से. हमारे ज़रूरत के जितना जल हो गया है और मेरे बाल कुछ ऐसे हैं. इसको सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं, देन हम स्ट्रेट करेंगे. और आई होप आप मेरे बालों को देख पा रहे होंगे. आई डोंट नो मैंने काली टी शर्ट क्यों पहनी है. एक्चुअली मैं टी शर्ट चेंज करके आती हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ. सो आई विल बी बैक इन अ मिनट. ऑलराइट दोस्तों, सो मैं रेड टॉप पहन के आ गई हूँ और आई होप आपको अब मेरे बाल अच्छी तरह दिखेंगे. सो बाल कुछ इस तरह के हैं. मेरे बाल नेचुरली ब्राउन कलर के हैं पर मैंने उनको काला कर लिया है क्योंकि मुझे काला अच्छा लग रहा है आजकल. और दूसरी चीज़ है कि मेरे बालों को मैंने कल धोया था तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं. अगर मैं धोते ही स्ट्रेट करूँ तो ये बहुत गंदे स्ट्रेट होते हैं. सो मैं वेट करती हूँ. सो मैं ब्रश लेके आई हूँ, मेरे बालों को ब्रश कर लेते हैं, देन हम एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले बालों के मिडल पार्टीशन कर लेते हैं और बालों को करते हैं ब्रश. ब्रश नीचे से शुरू करेंगे. This is a story about me and you. So एक साइड ब्रश हो चुकी है, दूसरी भी कर लेते हैं. ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे बाल हो चुके हैं ब्रश. ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं. अगर आपको कॉमेडी चाहिए तो एक बच्चे को बुलाते हैं. मिमी मेरे बाल वेखी, मम्मी के बाल वेख. What happened? Yes, you can. ऑलराइट दोस्तों, तो बाल ब्रश हो चुके हैं, अब हम इनको स्ट्रेट करना शुरू करेंगे. स्ट्रेटनर के लिए मैं रिमिंगटन का स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ. ये मुझे ठीक ठाक ही लगता है वैसे, पर नया लेने लूँगी मैं पता नहीं कब. और ये वॉलमार्ट से लिया था मैंने और अब मुझे चाहिए बालों को टाई करने के लिए कुछ. हर चीज़ भूल रही हूँ मैं बार बार. ऑलराइट आई एम बैक. सो बालों को टाई करने के लिए अगर मुझे क्लिप मिल जाता तो अच्छा था, पर अब मुझे अपस्टेयर जाना पड़ेगा जो मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि ऐसे ही मेरी सारी एनर्जी यूज़ हो जाएगी. सो हम हमारे बालों को दो सेक्शंस में कर लेते हैं. पता नहीं क्या खुशी से पूछी गई थी मैंने. सो दो सेक्शन में टाई कर लेते हैं, अप सेक्शन एंड डाउन. एक बार फिर से ब्रश करेंगे. स्ट्रेटनर गर्म हो चुका है और अब हम लगाएंगे ये एलोवेरा जेल. इसको लगाने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर मेरे बाल स्टिकी एंड स्टिकी होंगे तो फिर मुझे दोबारा से वॉश करने पड़ेंगे. यस, दिस इज डन. अब छोटे छोटे इसे लेके स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली ये जो एलोवेरा जेल है ये काम करता है हीट प्रोटेक्शन का और बालों को अच्छा स्ट्रेट करने का. सुना है ये हमने. ओके ओके ओके. सो यस, नॉट बैड, ठीक लग रहा है ये तो. और बालों को करते हैं. Not bad. ऐसे ने बहुत कम लगाया है because I'm scared. So ये वाला सेक्शन हो चुका है. वैसे मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ तो फील नहीं हो रहा जैसे मुझे स्प्रे के साथ होता है, पर स्ट्रेट तो ठीक हो गया है. नॉट बैड. इसी तरह बाकी बालों को भी कर लेते हैं. सो अगले बालों को भी लगा लेते हैं पर मैं क्वांटिटी में थोड़ा कमी रखूँगी.
अनयूजुअल प्लेस पे बैठ के स्ट्रेट करना बहुत अजीब है. वैसे मैं वॉशरूम में करती हूँ तो ऐसे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. बाल को स्ट्रेट करते करते गर्मी लगनी शुरू हो जाती है. राइट, दिस इज डन. ब्रश कर लेते हैं. अच्छा फील हो रहा है, नॉट बैड. अब यार बिना क्लिप के मुश्किल हो रहा है मुझे. ऑल राइट दोस्तों, तो ये वाली साइड हो चुकी है और ये वाली नहीं. आप डिफरेंस देख सकते हैं. और यहाँ पे बालों को स्ट्रेट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है. गर्मी लग रही है, शीशा नहीं है और बैठ के नहीं मैं करती हूँ, मैं मेरे वॉशरूम में करती हूँ. तो मुझे लगता है कि मैं ये वाली साइड को वॉशरूम में फिनिश करके आती हूँ. सो फिर मैं आपके साथ एंड प्रोडक्ट शेयर करती हूँ कि कैसे लगा मुझे. फिलहाल इतना तो मुझे अच्छा लगा कि इट्स गुड. एक्चुअली मुझे डाउट था कि ये चिपचिपा फील होगा, पर वो नहीं हो रहा है. दैट्स अ गुड पॉइंट. और बाल मेरे अच्छे एंड हेल्दी लग रहे हैं. और यस, आई विल बी बैक. ऑलराइट दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ मेरे सारे बालों को स्ट्रेट करके. तो मेरे बाल कुछ इस तरह के लग रहे हैं. वैसे मेरे बाल ब्लैक रंग में ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, अगर वो लाइट कलर के हों या ब्राउन हो. ब्राउन में भी ठीक लगते हैं, पर जब मैंने उनको दो शेड्स का कर लिया था वो इतने हेल्दी नहीं दिख रहे, तो ब्लैक में वैसे हेल्दी दिखते हैं. और मेरे बाल अच्छी तरह स्ट्रेट हो जाते हैं. मेरे बालों का टेक्सचर कुछ ऐसा है कि वो कैसे भी स्टाइल हो जाते हैं. जैसे जब आप उसको कर्ली में देखोगे, आप सोच नहीं सकते वो इतने अच्छे स्ट्रेट हो सकते हैं. सो वो बात है. और दूसरी बात है कि वैसे ये अच्छा था. मुझे डर था कि मेरे बालों में वो चीज़ फील होगी, वो मेरे बालों में फील नहीं हो रही और मेरे बाल अच्छे हेल्दी शाइनी लग रहे हैं. गुड पॉइंट है. एक और है कि मेरे बालों को स्ट्रेट करने से पहले मैं हमेशा ब्लो ड्राई करती हूँ, और आज मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं रियली चेक करना चाहती थी कि सच में ये काम करता है. पर उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया. मेरे बाल अच्छी तरह स्ट्रेट हो चुके हैं, शाइनी हैं विदाउट ब्लो ड्राइंग. दैट्स अ गुड पॉइंट. और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आप भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैं दोबारा करूँगी. कर भी सकती हूँ, पर इतना हैसल कौन करे. सिर्फ स्प्रे करो, करो डन. पर अगर आप नेचुरल मेथड यूज़ करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या है. या और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो आर्टिफिशियल एलोवेरा जेल होती है बाज़ारों में, नॉट आर्टिफिशियल, जो पैक्ड एलोवेरा जेल होती है, वो भी ट्राई करूँगी कि उससे कैसा रिजल्ट मिलता है. नेचुरल से तो अच्छा रिजल्ट मिला है. सो जिसने भी इस वीडियो इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया था, आई होप आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी होगी और आपने रिजल्ट दिख लिया होगा. मैं मेरे बालों को यूजली स्ट्रेटनिंग करती हूँ, थोड़ा सा वेवी करती हूँ, पर आज की वीडियो के पर्पज़ के लिए मैंने इसको स्ट्रेट किया है. पर अभी मैं जाके इसको थोड़ा सा वेवी करने वाली हूँ और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में. आज खाना मैंने अर्लियर बना लिया क्योंकि हिम्मत को बहुत भूख लग रही थी सुबह. सो मैंने सुबह ही कल मैंने वाइट चने उबाले थे, उसी को मैंने थोड़ा ज़्यादा उबाल लिया था. और आज मैंने उसकी करी बना ली है, वाइट चने, और साथ में मैंने राइस बना ली क्योंकि वो हिम्मत की फेवरेट. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me. वो मेरा काम डन हो चुका है. पर आज मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, सिमोर लैशेस की डिलीवरी करने के लिए जाना है मुझे. मंडे है आज. और दूसरी चीज़ मुझे करनी है कि मेरे प्लांट्स के लिए मुझे कोई स्टफ़ चाहिए, और प्लांट्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी. ये प्लांट्स की शेल्फ पे मैंने प्लांट्स को ऐसे ही टिका दिया है, अभी मैंने अरेंज नहीं किया है. पर मैं इनको स्टाइल करूंगी, कहीं कुछ डेकोरेशन रखूंगी, कुछ हैंग करूंगी. लाइक इस वॉल को मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाली हूँ, पर फिलहाल के लिए मैंने इसको सिर्फ रख दिया है. और मेरे कई प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं. कुछ दिन पहले मेरे घर में कुछ किड्स आए थे, उनमें से किसी ने मेरे एक प्लांट को जड़ से निकाल के रख दिया और बेचारा वो मर गया. मैं सोच रही थी ये इतना ज़्यादा गरीब सा क्यों हो गया है और इसकी जड़ें क्यों मर रही हैं. तो मैंने जब देखा वो मिट्टी में था ही नहीं, बाहर ही था. सो बहुत दुख लगा, पर मैंने कोशिश है कि ये रिवाइव हो जाए. मैंने इसकी सॉयल चेंज की है, इसको दोबारा से डाला है, दोबारा से उसको अंदर डाला है, शायद जड़ें निकल जाएँ दोबारा. पता नहीं यार ये बचेगा या नहीं. बहुत दुखी, सुबह मेरा सारा टाइम इसी दुख में था.
क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये बचा। और एक और मेरा प्लांट है जो ये क्रिस्पी वेव है, ये भी मरने वाला है क्योंकि इसमें स्पाइडर माइट्स लग गई थी और उसकी वजह से मैंने इसकी सॉइल को चेंज किया है। पता नहीं ये जी पाएगा या नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें पूरी तरह रॉटन हो चुकी थी और मैंने उसकी जड़ों को निकाल के सिर्फ लीव्स को दोबारा से इसमें डाला है, क्योंकि लीव्स भी जड़ें बना देते हैं दोबारा। अगर ये मेरी चीज़ सक्सेसफुल हो जाए और ये मेरा प्यारू सा प्लांट बच जाए, बहुत खुशी होगी। इन दोनों की वजह से आज मेरा सुबह बहुत ही ज़्यादा दिल दुखी रहा, कितनी देर दुखी रहा, पर यह अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। सो या दिन के साथ कैरी ऑन करते हैं। बालों को मेरे हिसाब से स्टाइल का क्या, मेरे कैमरे की ये दूसरी चेंज की बैटरी भी डेड होने वाली है। सो यार दोस्तों, यही मेरी कहानी। सो दरवाजे पे बैठ के पति की वेट कर रहे हैं। ओके, बाल मेरे ना थोड़े फ्लफी होने शुरू हो गए दोस्तों, लाइक जैसे मेरे बाल वैसे स्ट्रेट करने के बाद बहुत शाइनी एंड सिल्की रहते हैं, वैसे नहीं, थोड़े ना फ्लफी होने शुरू हो गए। जो फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़े रफ लगने शुरू हो गए। ओके दोस्तों, बालों को टाई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ अपस्टेयर जाके लेके आने के लिए क्या क्लिप। मैं बहुत सारे क्लिप नीचे रखती हूँ, पर जब मुझे क्लिप्स चाहिए होते हैं अपस्टेयर वो नीचे होते हैं, जब मुझे नीचे चाहिए होते हैं वो अपस्टेयर्स होते हैं। मतलब मुझे परेशान करते, पता नहीं ये पर्पसली करते या क्या। हिम्मत अपनी पढ़ाई कर रहा है, 1 to 50 लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं इस एरिए को टैकल करने वाली हूँ। ऑलराइट, मैंने मेरा पहला मील खाया नहीं है, मैं क्रोसॉन खाने वाली हूँ थोड़ा सा बटर लगा के, क्योंकि राइस खाने के लिए मेरा मन नहीं है। वैसे भी हमारा डिनर हम 6:30 कर लेते हैं और मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि आप डिनर दिन में ही कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे अंधेरा बहुत लेट होता है और ऐसे लगता है कि हमने डिनर हमारा दोपहर में ही कर लिया, पर हम डिनर 7:00 6:30 यू नो आइडियल समय पे करते हैं ताकि जब तक सोएं पेट खाली हो जाए, क्योंकि जब पेट भर के जाते हैं तो अच्छी नींद नहीं आती। सो मैं मेरे लिए इन हज़ारों क्रोसॉन से एक लेके वार्म करूँगी। This is a story about me and you. Alright, दोस्तों, so लाल कपड़ों में लाल टमाटर क्रोसॉन पे रेडी हो गया। सो इसे मैं खा लूंगी, ये मेरा पहला सॉलिड फूड होने वाला है और समय हुआ है 4:00, हस्बैंड भी आने वाले। तो मेरा थोड़ा सा मील खाने के बाद एंड क्लीनिंग करने के बाद डन है। अब मैं एडिटिंग शुरू करने वाली हूँ आज के ब्लॉग की, और हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए, जब वो आएंगे तो मैं जाऊंगी। दिस इज़ माय बर्थडे मंथ और बर्थडे की एक्साइटमेंट अब मुझे बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बर्थडे की एक्साइटमेंट कम हो जाती है। ऑलराइट, हस्बैंड घर आ चुके हैं एंड अब मैं जा रही हूँ पोस्ट करने के लिए, और मुझे कुछ लाना भी अपने लिए। एंड आज काफ़ी ज़्यादा बॉडी है, खो दिया मैन, आई एम पुशिंग इट टू हार्ड। Every time they're asking, make them believe that it's all good. Faking smiles and laughing, playing like I'm happy all the time. पता नहीं उन मेरे को मास्क हो है, मेरा मास्क ना मेकअप लगा मास्क पाओ और अपनी जान बचाओ। आजकल ना मोटो आ, मास्क पाओ ते अपनी जान बचाओ। चंगा दोस्तों, मैं मिलती हूँ फिर आपको। तो हस्बैंड वॉक बनाने वाले हैं, वो कल्ले काम नहीं कर सकते तो उनको चीज़ें मैं चॉप करके देने वाली हूँ। उनको देने वाली हूँ मैं सिलांट्रो, टमाटर एंड अनियन। सो हम यूज़ करने वाले हैं 2 पत्ते मिंट की और सिलांट्रो थोड़ा सा, इसलिए आंदे कि पत्ते नूं काम कुम घट ही आंदा। प्यारी नहीं बना दी, तोड़ गई हां एक ही बस पिछो काट के, गाय कम चोर पति जा चुके हैं। डोंट स्टॉप लुकिंग एट मी नाउ, आई नो यू डोंट केयर एज मच एज आई। एक क्रोसॉन खा
सो गुआकामोली गुआक तैयार है, इसे हम खाएंगे चिप्स के साथ। वैसे तो इसको हम रेगुलर चिप्स के साथ खाना चाहते थे पर हमारे पास नहीं है, तो डॉल टॉस के साथ खा लेंगे। कुछ तो करना ही है दोस्तों। सो मेरा डिनर टाइम हो गया, मैं ये छोटी वाली प्लेट में खा रही हूँ एनी क्वांटिटी। सो यस चिली सिक्का कहती है हाँ बढ़िया। हवा मेनू दिख रही तो पई नहीं है। बहु गाना सुनाओगे? नहीं, मेरा सिर दुखदा, मेरा ढिड दुखदा, मेरी कूनी दुखदी, मेरा गला दुखदा। आज की दुखदा थोड़ा गाइस मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा बहाने मार रहे, उनको कुछ भी कहो तो कहेंगे मेरी कूनी दुखदी, मेरा गिट्टा दुखदा, मेरा गोडा दुखदा। गोडा दुखदा नहीं, कभी याद हुई मेरा सिर दुखदा, मेरे दंद दुखदा, मेरा कभी तो ये मेरे कान दुखदा। उम्मीद करती हूँ आपने आज का ब्लॉग पसंद किया होगा। सवेर से कर लेने हैं कुछ ना। ओके दोस्तों, सो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने आज का ब्लॉग पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर करें नीचे जाके कि सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं, बेल को क्लिक करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों। एक्चुअली हस्बैंड अभी घर आए हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं अभी व्लॉग बनाना शुरू किया और अभी खत्म कर लिया, पर आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। सो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट। बहु की वे की आने तक मेरे पास और यार मैं देखने पर चोर आऊंगे देखो ऐसा टिक टिक लगा के करने। सो यार यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, जस्ट स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय लालू। ब्लॉगर आया तू इतना वेखना।